शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील के ग्राम बमूलिया और टिलिया खेड़ी के किसानों ने सोयाबीन बांझ होने पर एवं फसल बीमा के सर्वे के लिए तहसीलदार एवं विधायक कुणाल चौधरी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों से मिले आवेदन के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। के अंदर सोयाबीन खराब, पहली बात किसानों का जो स्थितियां है कि आज बीज तो 10,000 रुपए क्विंटल का लेके किसानों ने बोया था, खाद बाहर से लेना पड़ा, ब्लैक में खाद मिला, डीएपी मिला और जिस प्रकार की स्थितियां किसान की है पूरी तरीके से गर्त में जा रहा। और जो ये कई जगह पीले मोजे की समस्या आ रही है, कई जगह अफलन की समस्या आ रही है, वो लगातार सोयाबीन बांझ तरह की रह रही है और जिसके अंदर ना तो फलियां है ना आपके अंदर उत्पादन क्षमता है। स्पष्ट रूप से मैंने कलेक्टर साहब से बात करी और मुआवजे के लिए कि जल्द से जल्द सर्वे हो, किसानों को राहत प्रदान करी जाए क्योंकि हालत कलेक्टर परेशान है। पहले किसान प्रताड़ित है, पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, इस बार फिर फसलें खराब हो चुकी है और सोयाबीन की लागत जिस प्रकार की इस बार पड़ी है, किसान प्रताड़ित हो चुका है और अगर सोयाबीन खत्म हो गई तो स्पष्ट रूप से किसान की बहुत बुरी स्थिति होगी। मैं बात करूँगा स्पष्ट रूप से, सरकार ने अगर इसे जल्दी से जल्दी नहीं करा तो सड़कों पर आके संघर्ष भी करूँगा और किसानों के हक के अधिकार की लड़ाई भी करूँगा। सर जो मुआवजा नहीं आया सर इसके लिए, देखिए पिछली बार मैंने मीटिंग में लगातार बात करी थी, बहुत लड़ाई लड़ी थी और स्पष्ट रूप से निर्देशित कराया था कि सब लोगों के मुआवजे दिए जाए। अभी कह रहे हैं कि पिछले वाले एक जो किस्तें थी वो तो आ रही है और आगे की किस्तों के लिए भी हम दबाव बनाएंगे क्योंकि तीसरी और चौथी किस्तें किसानों की बची है वो भी मिले, जिन लोगों को एक भी किस्त नहीं मिली है वो भी मिले क्योंकि सरकार कहती है कि हमने जल्दी से जल्दी दिया है पर अभी तक किसान पिछले साल का मुआवजा नहीं आ पाया और इस बार की फिर फसलें खराब हो चुकी है। किसान प्रताड़ित है, जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए इसके लिए। सर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, उनने बोला कि पटवारी जी की हड़ताल खत्म होगी, इसके पहले हम सर्वे नहीं करवा सकते। ये सरकार को नियत तय करना चाहिए, कोई व्यवस्था अगर हड़ताल पे है तो दूसरी व्यवस्थाओं से करना चाहिए, ड्रोन से सर्वे करना चाहिए, किसी भी परिस्थितियों के साथ करना चाहिए। स्पष्ट रूप से सरकार हर मुद्दे को सुलझाए, एक के पीछे दूसरी चीजों के ऊपर बैठ के सरकार मुंह छुपाना चाहती है। सदन में जाओ तो सदन में चर्चा से भगती है और कहीं ना कहीं जब किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात करो तो सदन को खत्म करने का काम कर देती है और जब बात करो सड़क के ऊपर तो डंडों के ऊपर बात करना चाहती है। पर ध्यान रखे सरकार, अगर किसानों का फसल का जल्दी से जल्दी सर्वे और मुआवजा नहीं हुआ तो स्पष्ट रूप से सड़कों पर संघर्ष करेंगे और हर जगह संघर्ष करके किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार को बात। सर ये बीमा के लिए कब तक का है? बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार जनता का बीमा हुआ है, जनता ने पैसा दिया, बीमा मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें बीमे पर होती है पर बीमा भी जल्दी से जल्दी मिले ताकि किसानों को राहत।